क्या सिग्नल फ्रॉम सिग्नल फ्रॉम ब्रेन फॉर व्हाट? सिग्नल फ्रॉम ब्रेन इज नॉट मिक्टोरेशन. मिक्टोरेशन इज दैट इज यूरिनेटिंग आउट. ठीक है, एंड हाउ द प्रोसेस ऑफ मिक्टोरेशन टेक्स प्लेस, दैट इज द सिग्नल फ्रॉम ब्रेन इज गिवन व्हेन द मसल बैग दैट इज योर यूरिनरी ब्लैडर दैट कीप्स ऑन स्ट्रेचिंग एंड इट कीप्स ऑन फिलिंग. ठीक है, जैसे जैसे वो फिल होता रहेगा वो पूरा स्ट्रेच हो जाएगा, उसकी वॉल्स जो है बिल्कुल प्रॉपरली स्ट्रेच हो जाएंगी और जो न्यूरॉन्स उसकी वॉल के ऊपर लगे हैं दे विल कैरी द सिग्नल टू द ब्रेन एंड ब्रेन विल गिव दैट सिग्नल बैक. नाउ दिस इज द अर्ज फॉर द यूरिनेशन. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज मैक्टोरेशन. ऑलरेडी इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस दिस टर्म दैट इज मैक्टोरेशन. ओके, मैक्टोरेशन इज अ अर्ज ऑफ एम्प्टिंग द यूरिनरी ब्लैडर और द अर्ज ऑफ यूरिनेटिंग. The urge of urinating, that is micturition. Done. Okay. Now coming to the next is, after this there is other organs that which provides the excretion. Other organs involved in excretion, involved in excretion. The other organs involved in excretion. That can be whatever other organs आपको पता होगा, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. स्वेट ग्लैंड आर देयर, सेबेशियस और द स्वेट ग्लैंड, बोथ वेज. ठीक है, और ऑयल ग्लैंड और इवन योर लंग्स दैट विच एक्सहेल आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, अलॉन्ग विद द किडनीज. किडनीज तो एक एक्सक्रीशन में रोल प्ले कर ही रही है. So in other organs that which are playing the role for the excretion, that is the lungs. Number one, lungs, they help to expel out carbon dioxide. Expelling out means मतलब हमने body में से removal देना है. तो हमने excretion में भी तो यही पढ़ा कि जो चीजें harmful है हमारे लिए उनको हमने body में से remove out करवाना है. ठीक है, so जब भी हमने body में से remove out करवाने की बात बोली है तो removal सिर्फ हमारे urine में नहीं है, है ना, सिर्फ removal urine के through नहीं है. तो urine नहीं है तो फिर और क्या क्या है? Lungs हमारी कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अगेन अ वेस्ट फॉर अस, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन अवर बॉडी, सो दैट इज इट इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, सो दिस लंग्स एक्सपेल्स कार्बन डाइऑक्साइड. देन अनदर ऑर्गन इज जो आपने बोला दैट इज द स्वेट ग्लैंड्स. स्वेट ग्लैंड्स हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स हैं या ऑयल ग्लैंड्स हैं. सिबेशियस ग्लैंड्स में भी एक वैक्सी सिक्रीशंस जो हैं, जैसे आपकी एयर वैक्स है, ठीक है, वो प्रोड्यूस हो रही हैं. ऑयली सिक्रीशंस सेबेशियस के अंदर उसको कंसिडर कर सकते हैं आप. सो दैट आर द स्वेट ग्लैंड्स एंड द सेबेशियस ग्लैंड्स दैट आर आल्सो इन्वॉल्व्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द वेस्ट. स्वेट क्या है? व्हाट इज स्वेट? इट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर अलॉन्ग विद द डिफरेंट सॉल्ट्स अगेन. ठीक है, स्वेट जो होता है वो भी हमारी बॉडी में से रिमूवल ऑफ द सॉल्ट्स दे रहा है. जब भी हॉट टेम्परेचर होता है तो हमारी बॉडी अपने आप को कूल सर्फेस, नो डाउट वी नो दैट स्वेटिंग इज फॉर दिस कूलिंग ओनली ना. स्वेटिंग प्रोवाइड्स अ कूलिंग इफेक्ट, जैसे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन होता है तो वो कूलिंग इफेक्ट होता है, प्रोड्यूस करता है. तो ऐसे ही हमारे अंदर क्या है, दैट इज व्हाट प्रोवाइड्स अ कूलिंग इफेक्ट, दैट इज द स्वेट ओनली. ठीक है, तो स्वेट जो है तो वो कूलिंग इफेक्ट के लिए, क्योंकि लो टेम्परेचर होगा हमें स्वेटिंग ज्यादा होती है और हमें थोड़ा कूलिंग इफेक्ट मिलता है, हमारी स्किन को सूदिंग होता है ना. लेकिन एक्चुअल में वो स्वेट क्या है, दैट इज फ्रॉम द स्वेट पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन योर स्किन द सॉल्ट मिक्सड वॉटर विच इज अगेन वेस्ट, नॉट द यूजफुल वन, the one which has already been utilized by your body and it is acting as a waste. ठीक है, that which cannot be excreted out through the our own excretory system, मतलब urine system के through नहीं जा पा रहा है, उसको क्या करेंगे, वो because of the higher temperatures it is moved through the sweat glands. ठीक है, even certain secretions, आप लोग को पता है कि हमारी जो body है that is having the physiological barrier as that of the skin, कि microbes जो है वो ना अंदर invade कर सके, है ना, दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर अवर बॉडी. देन सेकेंड जो हमारे पास आती है, क्योंकि कुछ हमारे पास नेचुरल ओपनिंग्स है, एज वी हैव द आईज नेचुरल ओपनिंग्स है, नॉस्ट्रल्स है नेचुरल ओपनिंग्स है, ईयर्स है, इवन यूरेथ्रल ओपनिंग्स है, ठीक है, एनल ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग्स है. ठीक है, सो ये सारी ओपनिंग्स क्या है, दीज आर ऑल्सो द नेचुरल ओपनिंग्स ऑफ द बॉडी. हमारी जहां जहां तो स्किन है वहां वहां तो इंटैक्ट है कि माइक्रोब्स अंदर नहीं जाएंगे. तो नेचर ने क्या किया, जो नेचुरल ओपनिंग्स थी उनके अंदर स्पेशल सिक्रीशंस बना दी ताकि माइक्रोब्स जो है वो इजिली इन्वेड ना कर सके हमारी बॉडी में. मींस आवर फुल बॉडी इज शील्डेड.
ठीक है, हमारी पूरी बॉडी जो है दैट इज शील्डेड फॉर द एंट्री ऑफ द माइक्रोब्स इन टू अवर बॉडी. तो उसके लिए क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी में जो ये जो हमारे टीयर्स हो गए, या टीयर्स इवन वो तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं, लेकिन टीयर्स भी हमारी एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे. ठीक है, दैट इज ऑल्सो रिमूवल ऑफ द वेस्ट, दैट इज ऑल द सॉल्ट मिक्स वाटर. अगेन टीयर्स आर ऑल्सो सॉल्टी ना, सो दैट इज दे आर ऑल्सो सॉल्टी, सो दैट इज मीन्स दे आर ऑल्सो रिमूविंग आउट द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. बट अलॉन्ग विद दिस देयर इज एयर वैक्स. एयर वैक्स आपको यूजली स्वैब से क्लीन करना पड़ता है. वाई सो? दैट इज बिकॉज दैट इज अ लिमिटेड सिक्रीशन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड, ताकि कोई भी माइक्रोब्स या कुछ भी ऑर्गेनिजम्स जो हैं आपके नेचुरल ओपनिंग से आपके इंटरनल ऑर्गन्स तक रीच ना करें. ठीक है, अगर वूंड्स लगेंगी तो माइक्रोब्स आएंगे. सो ये जितनी चीजें हैं हमारी एक्स्ट्रा जो कैन से सिक्रीशन आ रही हैं, दे आर ऑल प्रोवाइडेड बाय द ग्लैंड्स. ठीक है, एंड कलेक्टिवली ऑयल एंड द वैक्सी सिक्रीशन दे आर ऑल कंसिडर्ड हेयर सेबेशियस ग्लैंड्स. ठीक है, ऑयली सिक्रीशन जैसे आपकी स्किन होती है, कईयों की ड्राई होती है फेशियल स्किन, है ना, एडोलेसेंट फेज में यूजली वो एक्ने हो जाता है, पिंपल्स हो जाते हैं. क्यों होते हैं? दैट इज अगेन बिकॉज उस टाइम पे हमारे अंदर हार्मोन्स की चेंजेस बहुत ज्यादा चल रही होती है. उन हार्मोनल चेंजेस से जो बहुत ज्यादा वेस्ट अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो सब निकलता है, तो ये सेबेशियस ग्लैंड्स हमारे जो है दे सिक्रीट आउट दोज थिंग्स, है ना. पिंपल्स आर वॉट? वो पस सेल्स जो उसके बीच में होते हैं, व्हाइट कलर का सिक्रीशन आता है ना. सो दैट इज ऑल द वेस्ट विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द बॉडी, राइट. एंड सम पीपल दे हैव द ऑयली स्किन, मतलब रूटीनली उनकी ऑयली स्किन होती है, ऐसा लगता है जैसे वो रोज ही कोई ना कोई तेल या कुछ ऐसा कुछ लगा के आते हैं फेस पे, कोल्ड क्रीम्स या कुछ, है ना. तो उन लोगों को जरूरत नहीं होती ये चीजें लगाने की, लेकिन जिनकी ड्राई होती है दे नीड टू अप्लाई दोज थिंग्स ताकि उनकी स्किन मॉइस्चर्ड रहे, है ना. तो ये चीजें क्या है? दीज आर द नेचुरल सिक्रेटिव ग्लैंड. ठीक है, स्वेट मीन्स पानी वाला, एंड सेबेशियस मीन्स इधर वैक्सी और द ऑयली सिक्रीशन. ठीक है, डन. देन एक और बोला था मैंने, और कौन सा कहा था? टीयर्स नहीं, लंग्स, ग्लैंड्स में अभी मैंने एक और चीज बोली थी, दैट इज ऑल्सो द वेस्ट फॉर अवर बॉडी. व्हाट आई सेड, एक तो स्वेटिंग के थ्रू होता है, एक लंग्स के थ्रू होता है, एक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग लाइक इन अस ऑल्सो हेल्प्स इन इजेशन, एंड दैट इज द रिमूवल ऑफ द वेस्ट, दैट इज द वेस्ट ऑफ फूड. ठीक है, फूड वेस्ट को बाहर निकालने में, रिमूव करने में बॉडी से हेल्प करती है, दैट इज द इनस और द लेटर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व. सो दैट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ द वेस्ट अगेन, बट दैट ओनली फ्रॉम द फूड. फूड का जितना वेस्टेज है उसको सारे को रिमूव करने के लिए ये हेल्प करेगा. डन, ठीक है जी. सो दीज आर द अदर ऑर्गन्स दैट विच आर इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन. एनी डाउट टू एनी वन? दिस इज जस्ट अ नोट एंड दिस इज जस्ट आई गेस वन और टू स्मॉल लिटल पैराग्राफ्स इन योर बुक. इफ यू विल गो थ्रू एंड यू विल गेट कि ये आइडिया क्या है, एंड मे बी आपसे पूछे जा सकते हैं ऐसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन अवर बॉडी. सो इट इज नॉट जस्ट योर किडनीज बट इट इज ऑल्सो ऑल द अदर ऑर्गन्स एज वेल. ठीक है जी. एक्सक्रीशन इजेशन सेम नहीं है. एक्सक्रीशन हम पर्टिकुलरली लेके चलते हैं व्हेन इट इज थ्रू द यूरिन. ठीक है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन ओनली. एक्सक्रीशन पर्टिकुलरली ये है, बट अगर हम इसका सेकंड व्यू देखें तो एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन इज ऑल्सो द रिमूवल ऑफ द वेस्ट. यही है ना, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड है, पर उसके साथ साथ ब्लड का ही सारा वेस्ट जो है वो रिमूव आउट कर रहा है. पर ब्लड के वेस्ट में भी हमारे पास ये सारी बॉडी वेस्ट ही है, सारे जो रिमूव आउट हो. दिस इज टोटली डिफरेंट, बट कैन बी थिंक ऑफ की लाइक एक्सप्रेशन है जस्ट बिकॉज इट इज द रिमूवल. वी आर टॉकिंग अबाउट द रिमूवल ना, अदर ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ द मटीरियल फ्रॉम अवर बॉडी, नॉट जस्ट द किडनी. समझ आया? एक्सप्रेशन ओनली एंड ओनली दैट इज टू बी फॉर द यूरिनेशन ओनली. ठीक है, यूरिनेशन के लिए सिर्फ ये काम करेगा. यूरिनेशन में इसने क्या करना है, लिक्विड वेस्ट बॉडी का, जैसे फ्लूइडी वेस्ट, ठीक है, वो रिमूवल देगा, तो दैट इज एक्सक्रीशन. अदरवाइज इफ इट इज गिविंग आउट द सॉलिड वेस्ट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द स्टूल्स और द फीसेस, दैट इज द इजेशन. ठीक है, ऐसे एज सच दोनों पर्टिकुलरली आपने टर्म्स अलग अलग यूज करनी है, बट ये भी तो ऐसे देखो ना, फिर लंग्स भी तो हमारा पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन है ना, दैट इज कंसिडर्ड एज फॉर एक्सहेलेशन. आपने इतना कुछ पढ़ लिया उसके बारे में, और ये रेस्पिरेशन टॉपिक है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम तो पूरी तरह से अलग है. वो तो एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम तो वैसे भी फार अपार्ट है, एक चेस्ट कैविटी में है, दूसरे एब्डोमिनल कैविटी में है. ठीक है, सो उन दोनों का तो कोई लिंक बनता नहीं, बट हम यहाँ पे सिर्फ कंसिडर कर रहे थे रिमूवल ऑफ द वेस्ट. ठीक है,
अदर ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन, आप एक्सक्रीशन से कंफ्यूज कर रहे हो तो उसकी ब्रैकेट में लिख लो दैट इज रिमूवल ऑफ द वेस्ट, ठीक है. एज सच यू कांट कंसीडर दीज इन द एक्सक्रीशन, देन द एक्सक्रीशन विच वी हैव जस्ट लर्नड इन द होल ऑफ द चैप्टर, उसमें नहीं कंसिडर कर सकते आप इन सारों को, है कि नहीं, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट आर द डिसऑर्डर्स विच आर कंसर्न्ड विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम. डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स में भी लाइक, सबसे पहले तो आपको पता है किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं, दैट इज वेरी कॉमन, है ना. सो किडनी स्टोन्स को हम बोलते हैं रीनल कैल्क्यूलाय, ठीक है, दैट इज रीनल कैल्क्यूलाय, ठीक है. सो दिस इज द रीनल स्टोन्स, बेसिकली आप इसको सिंपल रीनल स्टोन्स, किडनी स्टोन्स के नाम से जानते हो, ठीक है. किडनी स्टोन्स होते क्या, स्टोन्स क्या होते हैं, क्या सच्ची में पत्थर बन जाते हैं हमारे अंदर, क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड होता है, रसौली होती है, रसौलियों को, रसौली क्या होता है, स्टोन है टर्म आप यूज करते हो यूजली, रसौली क्या होती है, टिश्यू ग्रोथ होती है, ठीक है. दैट इज नॉट एक्चुअली, व्हेन इट इज डिस्चार्ज ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड, वो जो थोड़ा सा थिक लिक्विड टाइप, ठीक है. इट इज व्हेन डिस्चार्ज ऑफ, व्हेन इट इज क्लियर्ड ऑफ, ठीक है. अदरवाइज इफ द टिश्यू हैज बिन बिल्ट अप, जैसे एक बड की तरह शुरुआत होती है, बड क्या होता है, कोई भी एक सेल जिसमें से बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड डिवीजन होनी शुरू हो जाएंगे, ठीक है. अब वो सेल ने कितनी सारी डिवीजन करी और वो अपने ऊपर कितने सारे सेल्स को इकट्ठे कर रखा है, वो भी कंडीशन कभी ना कभी कहीं ना कहीं बनेंगी, बिकॉज ऑफ सर्टन ऑफ अवर हैबिट, सर्टन ऑफ अवर यू कैन से कंडीशन इन अवर बॉडी प्रिवेलिंग, ठीक है. तो उन हिसाब से हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर ये स्टोन्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं. स्टोन इज वॉट, दैट इज अ टिश्यू ग्रोथ, ठीक है. एक्स्ट्रा टिश्यूज दे गेट डिपॉजिटेड वन अबव द अनदर एंड दैट फॉर्म्स अ राउंडेड एक्स्ट्रा टिश्यू पार्ट, ठीक है. जिनको बाद में अगर ये प्रोलॉन्ग्ड पड़े रहे, कई बार क्या होता है कि जैसे छोटे छोटे से स्टोन्स बन गए हमारी अगर बॉडी के अंदर, तो वो क्या है, वो छोटे स्टोन्स बहुत ज्यादा हमें पेनफुल नहीं होते, वो पड़े रहते हैं, ठीक है. हो सकता है कंडीशंस उसके बाद ठीक हो गई है, या समथिंग लाइक मेडिसिनल आपकी ऐसी चल रही है जो किसी और चीज की है, लेकिन वो उसका रिएक्शन थोड़ा इधर भी जा रहा है एंड इट इज हेल्पिंग इन कि ये जो चीज है आपकी, जो स्टोन्स हैं, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग मोर ऑफ द ग्रोथ, ठीक है. एंड फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन योर लाइफ साइकिल, वहां पे क्या है, वो स्टॉप हो गई, वो बनी हुई है एंड दे आर नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम, एनी पेन इन द बॉडी, ठीक है. वो बनी पड़ी रहेंगी, अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही है, हमें डायग्नोज नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जब वाकई फिर से उनकी फेवरेबल कंडीशंस आ गई, फिर से वो डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी और फिर वहां पे जाके पेन्स आती हैं एंड देन वी गेट टू नो कि दिस वाज द प्रॉब्लम, है ना. तो ये क्या है, ये मतलब स्मॉल हो, स्टोन्स हो, तो ये क्लियर ऑफ हो सकते हैं विद द मेडिसिंस ओनली, बट कई बार क्या होता है, वो इतनी ज्यादा ज्यादा बड़ी हो जाती है दैट दे नीड द ऑपरेशनल ट्रीटमेंट टू बी रिमूव्ड आउट, ठीक है. उसको हम डिजोल्व नहीं करवा सकते फिर उसके बाद मेडिसिंस के साथ, ठीक है. कुछ एक स्टोन्स होते हैं जो मेडिसिनल एक्शन से क्लियर हो सकते हैं, लेकिन कुछ एक स्टोन्स होते हैं आपकी बॉडी में जिनको मेडिसिनल एक्शन नहीं, सर्जिकल ही चाहिए होता है फॉर देयर रिमूवल, ठीक है. जैसे यूट्रस वगैरह हो गया या कुछ ऐसे मतलब ऑर्गन्स हैं, तो उनके अंदर अगर ये बन जाते हैं, स्टोन्स आ जाते हैं, तो दे नीड टू बी रिमूव्ड थ्रू सर्जरी, है ना. बट समहाउ सम ऑफ द ऑर्गन्स दे कैन बी ऑल्सो ट्रीटेड, लाइक किडनीज, दे कैन बी ट्रीटेड थ्रू द मेडिसिन, क्योंकि किडनी के थ्रू तो जाना ही है सारे केमिकल्स नहीं होके, ठीक है. तो किडनी स्टोन्स अगर होते हैं तो उनको मेडिसिन के साथ ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है. नेक्स्ट इज ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस. दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मीन्स द स्वेलिंग एंड देन फॉलोड बाय द पेन, है ना. तो वो जो स्वेलिंग एंड पेन है, इन्फ्लेमेशन जो है, वो हमारे नेफ्रॉन के अंदर आ जाती है, नेफ्रॉन रीजन में आ जाएगी, ग्लोमेरुलस रीजन में आ जाएगी. तो उसके अंदर क्या है, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है, एवरी टाइम द ब्लड पासेज इट आउट फ्रॉम द इन्फ्लेमेटेड पार्ट एंड दैट इज वेरी लेस ऑफ द GFR विच विल बी प्रोड्यूस, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो गया, टिश्यूज जो है वो अंदर और बाहर दोनों की तरफ स्वेलिंग हो गई है, जो हमारा ब्लड वेसल का एरिया था वो नैरो हो गया है और बहुत पेनफुल मूवमेंट्स होती है, ठीक है. ब्लड जो है वो अगर हमारे स्वेलिंग रीजन में से जब भी निकलेगा तो वो पेनफुल वहां पे हमें फील होगा कि वो पेन हो रहा है, ठीक है. एंड सेवियर पेन्स दैट मे लीड टू अगेन द क्लियरिंग ऑफ एंड कंट्रैक्टिंग योर फिजिशियंस, ठीक है. सो दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द
ग्लोमेरुलस और द नेफ्रॉन रीजंस, ठीक है। नेक्स्ट इज यूरेमिया। यूरेमिया क्या है? दैट इज व्हेन द एक्स्ट्रा यूरिन, सॉरी यूरिया, व्हेन द एक्स्ट्रा यूरिया दैट इज एडेड टू द ब्लड, मतलब यूरिनेशन में ब्लड के स्पॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो इफ देयर इज यूरिया विच इज एडेड टू इट, यूरिया एडेड टू द ब्लड स्पॉट्स दैट विच इज accompanied in excretion, then we call that particular disorder as uremia. होना तो नहीं चाहिए। मैंने क्या बताया था आपको, जब भी हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किया था, कि ब्लड जो है वो सिर्फ ग्लोमेरुलस से अपनी आर्टरीज विनियोल्स के अंदर चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए हमारे बोमन कैप्सूल में, ज्यादातर हम ये बिलीव करके चलते हैं कि हमारी बॉडी में जो अप्स एंड डाउन आते हैं GFR के, वो सिर्फ इस तरीके से आते हैं कि पीछे कोई ब्लड वेसल जो है वो थोड़ा स्वेलिंग हो गया, रुक गया, ब्लॉकेज आ गया फैट की वजह से या कुछ भी चीजों की वजह से, है ना, उन चीजों ने थोड़ा बहुत इफेक्ट दिया किडनी को, लेकिन वो वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा नॉर्मल कंडीशंस में। हमें नहीं कुछ करना पड़ रहा, वो अपने आप ही हो रहा है सब कुछ। जैसे आपने पढ़ लिया एक्सेस वाटर लॉस, लेस वाटर लॉस, लेसर ऑफ द GFR, वो सब चीजें कैसे ट्रीट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमारा ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस छोड़ के बोमन कैप्सूल के पोर्स में से निकलना शुरू हो गया, मीन्स बोमन कैप्सूल जो है वो खराब हो रहा है ना, तो वहां पे ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर फिजिशियंस के थ्रू, डॉक्टर्स के थ्रू चलेगी। तो दिस इज अगेन अ बैड डिजीज एंड इट इज आल्सो हार्मफुल। यूरिया दैट इज, आप लोगों ने यूरिया का कंसेप्ट भी पढ़ा था, जब ये रिमूव आउट होता है फ्रॉम द यूरिनरी, सॉरी कलेक्टिंग डक्ट्स, तो वापस फिर से ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से निकल के वापस आ जाएगा, है ना, बैक इनटू द लूप ऑफ फेनले, बैक फ्रॉम लूप ऑफ फेनले इनटू द इंटरस्टीशियल टिश्यू बट नॉट इनटू द यूरिन, ठीक है। तो अगर एक्सेस ऑफ यूरिया है और ये यूरिया थ्रू द ब्लड स्पॉट्स इन द यूरिन निकल रहा है, अगर रिमूव आउट हो रहा है, दैट कैन बी वेरी मच कैन से प्रॉब्लमैटिक, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स इससे क्रिएट हो सकती हैं, हमारी बॉडीज के इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। ऐसे में ये बंदे का जो ट्रीटमेंट्स करवाई जाती हैं, पहले कंसिडर किया जाता है कि हीमोडायलिसिस करवाया जाए यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया ये ब्लड कब आएगा, अगर हमारे नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर ही खराब हो, है ना। अगर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर खराब हो जाते हैं तो उस कंडीशन में ये आगे फर्दर यूरिया जो है वो एड ऑन हो रहा है, अदरवाइज इट वॉज नॉट सपोज टू बी कमिंग आउट बट इट इज। ऐसी कंडीशन में इसको ट्रीट कैसे करवाना है? हीमोडायलिसिस से। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिफेक्ट आ गया तो किडनी फेलियर होने के चांसेस भी रहते हैं, ठीक है। दैट इज अनदर डिजीज, नॉट अ डिजीज एक्चुअली बट अ प्रॉब्लम कंसर्न, एंड दैट इज रीनल फेलियर, मतलब किडनी जो है वो फेल हो जाती है टू वर्क। अगर इसको प्रॉपरली टाइमली नहीं ट्रीट किया जाता, हीमोडायलिसिस इसको कुछ समय के लिए डिले कर सकता है, इन प्रॉब्लम्स को थोड़ा रोक सकता है, लेकिन हीमोडायलिसिस इज नॉट फॉर लाइफ लॉन्ग, ठीक है। लाइफ लॉन्ग प्रोसीजर नहीं है, इट्स अ वेरी टफ प्रोसीजर फॉर द बॉडी टू बी हैंडल, ठीक है। अ यंग बॉडी कैन हैंडल हीमोडायलिसिस बट नॉट द ओल्डर बॉडी, क्योंकि इससे पूरी बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है, पूरी बॉडी पे, ना सिर्फ किडनीज पे, हार्ट पे, ब्रेन पे, पूरी बॉडी पे, ठीक है। क्योंकि हमारी मशीन्स पल्सेस क्रिएट करती हैं, मशीन्स हमारे ब्लड को रिमूव आउट कर रही हैं, ऐसी चीजें करती हैं, उससे पूरी बॉडी मतलब डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो हीमोडायलिसिस इज नॉट फॉर द लॉन्ग टाइम, इट इज रिकमेंडेड ओनली अंडर द शॉर्टर पीरियड्स। इफ दिस हैपेंस, यूरेमिया हैपेंस एंड बिकॉज ऑफ इट, इफ द रीनल फेलियर्स हैपन और बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर्स द रीनल फेलियर हैपेंस, देन देयर आर टू वेज टू बी ट्रीटेड। वन इज हीमोडायलिसिस, अगर तो रीनल फेलियर छोटा है मतलब थोड़ा डैमेज है, तो उसको हीमोडायलिसिस से ट्रीट करवाया जा सकता है। उसको पर्सन को, पेशेंट को बोल दिया जाता है कि लाइक आफ्टर एवरी वन और टू मंथ्स द पेशेंट हैज टू विजिट फॉर द हीमोडायलिसिस, डिपेंडिंग अपॉन द डैमेज। बट अगर डैमेज बहुत ज्यादा सिवियर है तो हो सकता है बंदे को बेड रिडन ही कर दिया जाए हीमोडायलिसिस के साथ फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है। अब उसके बाद फाइनल जो रिजल्टेंट होगा, that is that kidney is not going to function properly but it is going to be transplanted, matlab usko change hi karwana padega, that is the only way out. agar ek bande ko ek hafte tak ki hemodialysis mil rahi hai, matlab us bande ke andar bilkul bhi jaan pran nahi bache, theek hai, to wo wahan pe transplantation recommend kar di jati hai, means a donor will be giving the kidney, any person whose blood group matches with the patient, theek hai, that's a donor, right? डोनर्स ब्लड ग्रुप मैच सबसे पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है कि डोनर जो होते हैं दे शुड नॉट हैव द वेरी ऑफ द बैड हैबिट्स लाइक ईटिंग ऑफ द टोबैको और स्मोकिंग लाइक दैट, ठीक है। क्योंकि अगर वो ऑलरेडी इन चीजों को प्रोन है, लाइक अगर वो ऑलरेडी टोबैको स्मोकिंग इन चीजों को ले रहे हैं, उनके ऑर्गन्स अपने आप में खराब है,
ठीक है, अगर अभी नहीं है हो सकता है आने वाले समय में हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज दे आर गेटिंग दोज पर्टिकुलर थिंग्स विच आर बैड फॉर द बॉडी। सो इसलिए जो भी डोनर होंगे उनका एक तो ब्लड ग्रुप मैच करवाना है, दूसरा उनकी हैबिट्स चेक करवाई जाती है, उनकी हिस्ट्री ली जाती है, ठीक है। आफ्टर ओनली दैट द पर्सन किडनीज गेट ट्रांसप्लांटेड, ठीक है। अब ट्रांसप्लांटेशन होने के बाद भी इस पर्सन को, पेशेंट को जिसमें ट्रांसप्लांटेशन किया है, उसको हॉस्पिटलाइज रखा जाता है कुछ समय के लिए, क्योंकि बहुत यू कैन से रेयर चांसेस हैं कि जो बंदे के अंदर जो न्यू किडनी गई है वो उसको सूट तो करेगी करेगी, रेदर मतलब अगर डाली है तो वो सूटेबल तो होगी। कई बार क्या होता है, डालते ही दोबारा फिर से उसके अंदर रिवर्स चेंजेस आने शुरू हो जाते, मतलब पर्सन को सूट नहीं करती और उसी समय फिर से रिमूवल देकर दूसरे डोनर से लेकर डालनी पड़ती, कई बार ऐसे चांसेस बन जाते, ठीक है। हो सकता है वो बॉडी के अंदर नहीं सूटेबल हो, लेकिन अगर वो पर्सन के अंदर सूटेबल हो भी जाती है तो पर्सन्स लाइफ, पेशेंट्स लाइफ रिमेन्स आउट ऑफ 6 to 7 इयर्स ओनली, ठीक है, विद द ट्रांसप्लांटेड किडनी एज वेल। एंड द रेयर आर द पीपल दोज हु मे लिव लॉन्ग आफ्टर द 7 इयर्स, रेयर आर द पीपल, लाइक ओनली 2 to 3% पीपल दे हु लिव लॉन्गर देन द 7 इयर्स आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। अदरवाइज द मैक्सिमम जो इसमें एज बोली है आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन दैट इज ओनली 6 to 7 इयर्स, ठीक है। डेड बाद में डेड बंदा, पेशेंट जिसके अंदर किडनी डैमेज हुआ, नहीं एक किडनी, अगर तो दोनों किडनीज में देखो डैमेज है तो ही वो ट्रांसप्लांटेशन की रिक्वायरमेंट डालेंगे ना, अगर तो एक किडनी में डैमेज है तो फिर तो वो अपनी एक किडनी से भी सर्वाइव कर सकता है, फिर डोनर से लेके फिर वो पंगा लेना ही है ना, फिर तो डॉक्टर्स ही नहीं रिकमेंड करते, डॉक्टर्स इस चीज को ट्रांसप्लांटेशन को मतलब रेयरेस्ट चांस में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल से एक किडनी पूरी तरह से डैमेज हो गई, ठीक है, दैट इज 80% नॉट वर्किंग और 90% नॉट वर्किंग, एंड द सेकेंड किडनी इज ऑल्सो 20% नॉट वर्किंग, ठीक है। अगर 20-30% अगर वो नहीं वर्किंग है तो दे विल रिकमेंड कि अभी वो भी डैमेजिंग की तरफ है, यू कांट सर्वाइव विद दिस, बट ये 1-2 महीने आप निकाल लो, हीमोडायलिसिस करवाते रहो तो 1-2 महीने में हीमोडायलिसिस से चल जाएगा, पर उतने में यू कैन सर्च फॉर अ डोनर ऑल्सो, ठीक है। और अगर तो इमीडिएटली दोनों ही डैमेज हो चुकी हैं तो इमीडिएट डोनर्स मतलब अरेंज करने पड़ते हैं। कुछ नहीं मिलता बेटा, नहीं मिलती अपनी किडनी बेचने में, सुनने क्या करना है ये पूछ के, कोई अच्छा क्वेश्चन पूछो, ये कैसा क्वेश्चन, अच्छा दोस्त के लिए पूछ रहा है, बैठा है दोस्त इसका। नहीं नहीं किडनी जो डोनर्स होते हैं ना, लाइक दे यूज टू डिमांड इन लैक्स, जो किडनी डोनर्स होते हैं 5 लाख 6 लाख एक किडनी देने का, डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्सन ऑल्सो। देखो किसी ने अपना ऑर्गन निकाल के देना है ना, अभी आज की डेट में अगर हम बात करें कि पर्सन जब डाई हो जाते हैं, हाउ मेनी ऑफ द पीपल यू नो दैट हु हैव डाइड एंड डोनेटेड देयर ऑर्गन्स ऑन डेथ, वो भी नहीं देते है ना, लोग जो हैं ऑन डेथ अपने आईज या ये हार्ट वगैरह डोनेट करके नहीं देना चाहते हैं, है ना, वो क्या है कि वो पोस्टमार्टम करेंगे जी चीज फाड़ देंगे, उनके फैमिली मेंबर्स को अलाउड नहीं होता है ना, दे डोंट वांट टू डू दैट विद द बॉडी, जो भी आपका पेशेंट का बॉडी है ना, जो भी फैमिली मेंबर का बॉडी। सो मरे हुए बंदे का अगर नहीं दे सकते हम, तो जिंदा बंदा अपने में से ऑर्गन निकाल के किसी और को दे रहा है, उसको बहुत हाई डिमांड ऑफ मनी होगी तभी वो करेगा, है ना। सो दोज आर द नीडी पीपल एक्चुअली, दैट इज नॉट एनी वन ऑफ अस लाइक कॉमन पर्सन में से कोई भी हम में से उठ के नहीं आएगा कि हाँ जी किडनी ले लो, है ना, ब्लड देना एक बात है बट ऑर्गन निकाल के देना बहुत बड़ी बात है, दैट इज अ बिग थिंग, ठीक है। यू आर गिविंग योर ओन बॉडीज ऑर्गन टू समवन, है ना, और आपकी बॉडी उसके बाद कैसे सूट करेगी, आपकी बॉडी किस तरह से काम करेगी, दैट इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जो भी डोनर होते हैं ना उनको भी पहले से एक फॉर्म साइन करवाए जाते हैं, if you are donating then your life is also at your own risk, ठीक है, then we are not responsible, doctors are not responsible for this, ठीक है, तो ये चीजें करवाई जाती है। हाँ जी क्लियर हो गया, हाँ जी क्या कह रहे हो, जब renal failure हो गया पूरा, फिर उसके बाद वो hemodialysis पे है बंदा, hemodialysis के time पे अपने urine प्रोड्यूस नहीं हो रहा पर वो ब्लड जो है वो पास आउट हो रहा है मशीन से और उसमें से सॉल्ट्स रिमूव होते जा रहे हैं, अगर सॉल्ट्स एक्सटर्नल रिमूवल हो रहे हैं तो बॉडी में से यूरिन का तो मतलब ही नहीं बनता था, है ना, और अंदर तो बॉडी के अंदर तो किडनीज खत्म है, वो तो काम ही नहीं कर रही, सो आर्टिफिशियल किडनी दैट इज अ हीमोडायलिसिस यूनिट दैट वर्क्स, ठीक है, एंड द ब्लड इज सर्कुलेटिंग इन द मशीन
मतलब बॉडी में से निकाला, सर्कुलेट किया, वापस बॉडी के अंदर डाला, ऐसा। ठीक है, उस समय के लिए अपने जो यूरिन प्रोडक्शन है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद जब ये पर्सन, तभी इसको रखा जाता है ना अंडर ऑब्जर्वेशन, जो जो उस बंदे के अंदर ट्रांसप्लांटेशन किया है, कि उस बंदे का यूरिन लेवल चेक किया जाएगा। दैट इज अगेन केप्ट अंडर आईसीयू। आपको पता ही है कि जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स होती हैं उनमें रखा जाता है कोई भी पेशेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भी दोनों तरह के चेंजेस आ सकते हैं, पॉजिटिव नोट पे भी आ सकते हैं, नेगेटिव में जा सकते हैं, है ना। अगर तो वो पॉजिटिव नोट पे जा रहे हैं तो वो यूरिन काउंट करेंगे, मतलब वो मेजर करते हैं यूरिन, एक्सटर्नल ब्लैडर्स लगा देते हैं, पाइपलाइन लगा देते हैं, ब्लैडर होता है मतलब पैकेट होता है, उसके अंदर लेवल्स जो है नर्सेस को टाइमली चेक करने पड़ता है, वो आके देखते हैं कि इसमें यूरिन का लेवल कम पड़ रहा है या ज्यादा पड़ रहा है, ऐसा। ठीक है, तो वो जब यूरिन का लेवल मैच करेंगे, दे विल बी सेइंग कि हाँ जी इट इज इंक्रीजिंग टाइमली एंड हेंस इट इज कमिंग टू द नॉर्मल कंडीशंस, एंड इफ नॉट इट इज वेरी लेस, वेरी वेरी लेस, देन फिर से ट्रीटमेंट प्रोसेस दोबारा शुरू किया जाएगा या चेक किया जाएगा कि प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं, कैसे ट्रीट करवाई जाए, डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, ओके, नाइस। सो दिस इज 48, सो विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑन मंडे। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क?